हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। तो मतलब पिछले एक डेढ़ हफ्ते से तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, स्वीटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि इस टाइम पे न्यू बॉर्न्स की केयर कैसे करनी चाहिए, मतलब उनकी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, या न्यू बॉर्न्स के साथ में छोटे बच्चों के भी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। वैसे तो छोटे बच्चों की ना स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेडिकेटेड होती है, सेंसिटिव भी होती है, तो उसको किस तरीके से हमें उसकी केयर करनी चाहिए ताकि बच्चों की जो स्किन है वो हेल्दी हो सके, उसमें नेचुरल ग्लो आ सके और सॉफ्टनेस उसकी बरकरार रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 6 महीने तक के, मतलब जो न्यूबॉर्न्स हैं वहाँ से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों की स्किन को केयर को कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना बच्चों के साथ में, वो होती है उनकी मसाज। छोटे बच्चों की स्किन और उनकी हेल्थ और उनके डेवलपमेंट के में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है बेबी मसाज, प्लस किस तरह का आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाले ऑयल। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए और फिर जब आप अगली बार मालिश करें तो वो करवाते टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल फील ना करें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले एक अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करिए जो कि बहुत ही लाइट होना चाहिए। सीज़न के अकॉर्डिंग किस तरह के ऑयल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बच्चे को नहलाइए ज़रूर, वो भी ये जो पसीने वाला मौसम होता है इसमें तो एटलीस्ट अगर हो सके तो 2 बार आप ज़रूर नहलाइए। अगर 2 बार नहीं भी नहला सकते हैं तो 1 बार अच्छे से नहला दीजिए और दोबारा आप उसको क्या करिए कि उसको वाइप कर दीजिए, शरीर को पोंछ दीजिए, कपड़ा गीला करके उससे पोंछ दीजिए आप, ताकि मतलब वो भी फ्रेश फील करे। क्योंकि पाउडर लगाने के लिए तो मतलब मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी, उससे क्या होता है जो पोर्स होते हैं ना बेबी स्किन के वो क्लोज हो जाते हैं। तो कभी भी आप पाउडर लगाने पे जोर मत दीजिए, आप हमेशा कोशिश करिए कि जब बहुत बच्चे को स्वीटिंग हो रही है या नहीं भी हो रही है गर्मी के मौसम में या ह्यूमिडिटी के मौसम में, मेक श्योर करिए कि बच्चा एक टाइम डेफिनेटली नहाए और सेकेंड टाइम आप उसको अच्छे से वाइप कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप उसको नहला भी सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नहलाने के बाद या वाइप आउट करने के बाद बिल्कुल मत भूलिए कि आपको उसको अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब मॉइस्चराइज़र कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी या रिच मॉइस्चराइज़र मत अप्लाई करिए उसके स्किन के ऊपर, क्योंकि अभी वो जगह है, खेल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि कोई सा भी लाइट ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए जो कि स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि एक तो जो उसकी हाइड्रेशन है स्किन की वो मेंटेन रहे और दूसरा क्या हो कि स्किन में कोई ऐसे ड्राइनेस ना हो, रूखापन ना रह जाए। तो इसलिए लोशन ज़रूर अप्लाई करिए, बेबी लोशन। और वो किस तरीके से अप्लाई करना है कि जैसे ही बच्चे की स्किन थोड़ी थोड़ी सी गीली हो, उस पर पानी हो, तभी आप उसके बॉडी पे इस लोशन को अप्लाई कर दीजिए, ताकि पानी के साथ में वो मसाज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। अगर आप लोशन नहीं लगाना चाहती हैं या फिर आपने एक बार लोशन अप्लाई कर दिया, आप सोच रही हैं कि सेकेंड टाइम आप कुछ और क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो न्यू बॉर्न से लेकर के 6 महीने तक को आप अच्छे से कोई भी बादाम ले लीजिए और उसको भिगो करके और फिर उसको अच्छे से पीस लीजिए आप, और पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी मलाई मिक्स करके और उसको अच्छे से पेस्ट बना देंगे तो वो क्रीमी पेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के स्किन पे, लेकिन इस तरीके से आप उसको अप्लाई करिए कि वो बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे चट सा ना रहे, अदरवाइज़ वो और ज़्यादा बच्चों को परेशान करेगा। आप इसको लगाने के बाद, ये जो बादाम और मलाई है इसको लगाने के बाद आप चाहें तो रात भर छोड़ भी सकती हैं उसको, ताकि वो स्किन पे और अच्छे से वर्क करे। और अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं बच्चा अच्छा नहीं महसूस कर रहा है इस चीज़ से, तो आप एक काम करिए कि आप उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, मतलब आपको जब लग रहा है कि आप जा रही हैं उसको वाइप आउट करेंगी, तो आप पहले वो चीज़ अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद बच्चे को अच्छे से पोंछ करके और फिर लोशन लगा दीजिए उसके शरीर के ऊपर। उससे क्या होगा कि जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होगा स्किन का वो एक तो लॉक रहेगा, प्लस सॉफ्टनेस स्किन के अपने आप बैलेंस रहेगी। कोई भी इस तरह के फालतू के ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चा इस टाइम बहुत छोटा है 6 महीने तक में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ उसको नुकसान कर जाए जिसकी वजह से आप कुछ और सोच रहे हैं और हो कुछ और जाए। और वैसे तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप बच्चे के हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस के ऊपर काम करिए, क्योंकि जो कलर होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको कई वीडियोज़ में बता दिया है कि कलर 4 महीने के बाद ही बच्चों का जो एग्जैक्ट कलर होता है वो विजुअलाइज होता है। तो स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए बच्चे के कलर को लेकर के। अब बात करते हैं 1 साल से बड़े बच्चों को किस तरीके से उनकी स्किन केयर करनी चाहिए। तो उनकी स्किन की केयर के लिए आप डेली मसाज तो नहीं दे सकते उनको, तो आप कोशिश करिए कि जब भी बच्चे का मूड अच्छा हो कि मतलब वो करवा सकता है मसाज,
तो डेफिनेटली आप उसको मसाज करिए, एटलीस्ट दिन में एक बार तो कर ही दीजिए। और अगर वो दिन में एक बार भी नहीं करवा रहा है, क्योंकि बच्चे दिन भर दौड़ते खेलते रहते हैं, तो मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार तो उसकी मसाज डेफिनेटली हो, क्योंकि अभी वो भी छोटा है, उसकी भी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत है। किस तरह का ऑयल यूज़ करें, तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल बच्चों के मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्लस दूसरी चीज़ कि जब आप उसको मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्किन में बढ़ जाता है, जैसे स्किन की जो रंगत होती है उसका जो निखार होता है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो अगर आप बच्चों की स्किन का केयर करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये मसाज ही है। दूसरी चीज़ कि बच्चे को आप 2 बार ज़रूर नहलाएं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, वो ज़्यादा दौड़ता है, खेलता है, जिसकी वजह से एक्टिव अब वो ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप उसको 2 बार ज़रूर नहलाइए, क्योंकि पसीने से बच्चा बहुत ज़्यादा मेसी फील कर सकता है। नहलाने के बाद वही सिंपल सी चीज़ है कि लोशन उसको ज़रूर अप्लाई करिए। जब वो थोड़ा सा गीला हो उसकी स्किन, तभी उसी के ऊपर लोशन लगा दिए, ताकि स्किन अच्छे से उसको अब्जॉर्ब कर ले। तीसरी चीज़, जो बादाम और मलाई वाली मैंने आपको अभी रेमेडी बताई है, आप उसको 1 साल से बड़े बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो उससे क्या होगा कि जो मैल होती है ना स्किन की, वो बहुत अच्छे से कट जाती है। प्लस वो एक ऐसी क्रीम है कि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, और आप उसको रात भर बिना किसी टेंशन के छोड़ भी सकते हैं स्किन के ऊपर। आप चाहें तो इसी बादाम और मलाई के लोशन को बच्चों के लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों के नेचुरल मॉइस्चराइज़र को लॉक करके रखता है। बच्चों को कपड़े किस तरह के पहनाए जाए, देखिए इस मौसम में, गर्मी में या फिर ह्यूमिडिटी के मौसम में, बच्चों को हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहनाइए। भले आपको बाहर जाना हो या कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन इस टाइम पे कॉटन से बेस्ट और कोई भी कपड़े नहीं है। तो मेक श्योर करिए कि आप कॉटन के कपड़े पहनाइए, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनाइए, ताकि एयर पास हो सके, ब्रीदिंग करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप फील करिए कि जब कभी भी मौसम चेंज होता है या पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कितने ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, घबराहट सी होने लगती है, बच्चों के साथ भी वही कंडीशन होती है। प्लस आप उनकी हाइजीनिक और क्लीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे दूध वूध पीते हैं, वो गिरा लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि खाने पीने का किस तरह का चेंज करना चाहिए बच्चों में। देखिए बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं होता है, तब तक तो ब्रेस्ट फीड उसके लिए सब कुछ है। मतलब आपको जो चीज़ भी महसूस होती है कि वो चीज़ बच्चों को देनी चाहिए, वो सब कुछ उसको ब्रेस्ट फीड के थ्रू मिल रहा है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए कि और कुछ भी दे दूँ। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा बहुत पानी बच्चे को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो उस टाइम पे आप उबाल करके, स्टोर करके, और फिर आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं, जो कि सेफ़ भी है। प्लस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या ह्यूमिडिटी होने की वजह से बच्चों को थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं। अगर 1 साल से बड़े बच्चों के फूड हैबिट्स की बात करें, तो इस टाइम पे उनकी डाइट में जितना ज़्यादा लिक्विड हो सके आप उसकी डाइट में शामिल करिए उसको। आप उसको फ्रूट जूस दे सकते हैं, अच्छे अच्छे शेक्स बना करके दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। बट अगर आप शेक बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि बच्चे को कभी भी कच्चे दूध का इस्तेमाल मत करिएगा। बॉयल, ठंडा बॉयल करके, अगर आपको ठंडा दूध देने का मन है तो बॉयल करके रख दीजिए, वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या फिर फ्रिज में थोड़ा सा चिल हो जाए, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करवाइएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को नारियल पानी आप बहुत ज़्यादा दीजिए, अच्छे से हाइड्रेट रखिए, समय समय पे उसको पानी ऑफर करते रहिए, भले वो 1 घूंट पिए 2 घूंट पिए, लेकिन उसके हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसा सीज़न है कि इस टाइम पे अगर पानी की कमी हुई तो बच्चा डेफिनेटली बीमार पड़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे से ऐसे टिप्स थे जो आपके न्यू बॉर्न की केयर करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे, उसकी स्किन की केयर करने के में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की होगी। अगर काम की होगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ में जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। प्लस सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।